एक जुलाई को भारत के लिए यकीनन एक ऐतिहासिक दिन था। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षर अधिनियम ने ब्रिटिश काल से चलते आ रहे भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्षर अधिनियम की जगह ले ली। इन्हीं कानूनों के बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की आजादी के 70 साल बाद भारत ने एक स्वदेशी न्याय प्रणाली पाई। उन्होंने कहा कि अब दंड की जगह न्याय है। ये बात गौर करने वाली है क्योंकि जब अंग्रेजों ने ये कानून बनाए थे तब उनकी मानसिकता देश में न्याय बरकरार रखने से ज्यादा देश पर राज करने की थी, और वहीं इन स्वदेशी कानूनों को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा है कि 21वीं सदी के भारत को उसकी जरूरतों के अनुकूल न्याय प्रणाली मिले। इसलिए हमारे लीगली स्पीकिंग के दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन कानूनों से उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, और साथ ही इन कानूनों में ऐसे क्या प्रावधान हैं जो पहले नहीं थे। सबसे पहले बात करते हैं इन कानूनों में प्रावधान किया गया है किसी की भी अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए अब पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं। BNS की धारा 173 के तहत कोई व्यक्ति बिना पुलिस स्टेशन जाए ऑनलाइन ही यानी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से घटना की जानकारी दे सकता है। इससे न सिर्फ पीड़ित को बल्कि पुलिस को भी सुविधा मिलेगी क्योंकि वो अब किसी भी मामले में जल्द कार्रवाई शुरू कर सकते। इसके साथ ही भारत में 0 FIR का प्रावधान भी लागू होगा, यानी कि FIR दर्ज कराने के लिए किसी विशेष थाने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। BNS की धारा 173 के तहत कोई भी व्यक्ति जुरिस्डिक्शन की परवाह किए बिना ही किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकता है। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म हो जाएगी, साथ ही अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बता दें कि BNS की धारा 64, 70 और 71 के तहत अब समन भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भेजा जाएगा। इससे यकीनन ये अनावश्यक कागजी कार्रवाई पर रोक लगेगी। साथ ही नए कानूनों में जेंडर की परिभाषा अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। BNS की धारा 2x10 में जहां जेंडर की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव के जरिए समानता को बढ़ावा देने की पहेगी। एक और क्रांतिकारी शुरुआत जो इन कानूनों के माध्यम से होने वाली है वो ये है कि आखिर कुछ माइनर क्राइम्स यानी कि छोटे अपराधों के लिए सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि अपराधी न सिर्फ अपनी गलती का पश्चाताप कर सकेंगे बल्कि साथी में समाज से भी जुड़ पाएंगे। बीते कुछ सालों में भारत में मॉब लिंचिंग की कई वारदातें सामने आई हैं। नए आपराधिक कानूनों में न सिर्फ इसे अलग अपराध की श्रेणी में लाया गया बल्कि इस अपराध के लिए सजाए मौत का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर ये पाया जाता है कि किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तो उसे सजा के तौर पर जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ ही 5 साल की जेल भी भुगतनी पड़ेगी। और जैसा हमने आपको बताया कि ये कानून किसी सदी के भारत के जरूरी को देखते हुए बनाए गए, इसलिए अब से चोरी की परिभाषा में अब डेटा चोरी और पहचान की चोरी यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट को शामिल किया। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और खबरें और लीगल से जुड़ी खबरें हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।